हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्राफ्ट ब्लूम्स। रक्षाबंधन आने वाला है और इस बार मैंने रेडी किया है एक गिफ्ट हैम्पर बॉक्स, जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें जो भी मैंने बनाया है वो सब रीयूजेबल है, और वो कैसे है इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले राखी रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने लिए हैं ये MDF के बेसिस, और इन पे मैंने ब्लैक एक्रेलिक कलर कर दिया है। इन बेसिस पे मैं डॉट मंडला आर्ट करूंगी। सबसे पहले तो सेंटर फाइंड आउट करने के लिए मैंने बेसिस के साइज का एक पेपर कट कर लिया है, और इसे कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो इस तरह हम कार्बन पेपर की हेल्प से सेंटर मार्क कर लेंगे। तो आप इसको एक स्टेंसिल की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो डॉटिंग टूल की हेल्प से हम पैटर्न्स बनाना शुरू करते हैं। कलर शेड्स आप कोई से भी ले सकते हैं, तो यहाँ मैंने बेसिक पैटर्न्स ही बनाए हैं। इसी तरह हम सभी राखियाँ रेडी कर लेंगे। थर्ड वाली राखी में वीडियो थोड़ी सी मिसिंग है, क्योंकि वीडियो पॉज हो गई थी और मुझे पता ही नहीं चला। पेंट ड्राई हो जाने के बाद अच्छे से वार्निश के दो तीन कोट्स दे देने हैं। अब थ्रेड और बीड्स ऐड करके हमने राखियों को कंप्लीट कर लिया है।
तो सुंदर सी राखियाँ बन गई और इन्हें पैक भी हम सुंदर से ही तरीके से करेंगे। तो मैंने यहाँ पैटर्न पेपर को कट करके होल कर लिए हैं। और मैं यहाँ ये ट्रांसफ़र शीट यूज़ कर रही हूँ जो मैंने क्राफ्टली कनेक्ट से ली है। ट्रांसफ़र शीट्स को कैसे यूज़ करना है इसके ऑलरेडी बहुत से वीडियो मेरे चैनल पे हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो इस तरह मैंने 3 टैग्स बना लिए हैं और इन पे वार्निश भी अप्लाई कर दिया है। अब इन पे राखियों को टाई कर देंगे। गिफ्ट हैम्पर बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है MDF का बॉक्स और इसको सैंड करके जैसो से एक बेस कोट दे दिया है। नेक्स्ट मैंने ये डेकोपाज पेपर लिया है और इसे बॉक्स के साइज़ का कट करके डेकोपाज ग्लू की एक लेयर लगा के बॉक्स के अपर पार्ट पे स्टिक कर दिया है। अब पेपर के ऊपर भी डेकोपाज ग्लू की एक लेयर दे देनी है एंड बाकी के बॉक्स को भी पेंट कर लिया है। बॉक्स के लैचेस को हम नेल पॉलिश रिमूवर से क्लीन कर लेंगे। इसी तरह मैंने एक बॉक्स और रेडी कर लिया है और लास्ट में वार्निश भी अप्लाई कर दिया है। तो बॉक्सेस भी रेडी हो गए हैं। अब हम इनमें पैक करेंगे ये ड्राई फ्रूट्स की पोटली। हमारी प्यारी सी हैंडमेड राखी। इसे बाद में एज अ की रिंग भी यूज किया जा सकता है, इसलिए ये कीचेन एक्सेसरीज और रोली चावल का पैक। जैसा कि मैंने कहा था कि इस बॉक्स में सब कुछ रीयूजेबल है, तो राखी को एज अ कीचेन यूज किया जा सकता है। जिस टैग पे हमने राखी टाई की है उसे एज अ बुकमार्क यूज किया जा सकता है एंड बॉक्स के तो मल्टीपल यूजेस हैं।
तक कैसा लगा ये गिफ्ट हैम्पर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो जल्दी ही मिलते हैं एक और नए DIY के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी रक्षाबंधन।